Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. जी खामोशी थोड़ी खामोशी ये ठीक है ये माइक ठीक है जी खामोशी थोड़ी और खास तौर पे बस 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 ख्वाजा जलाल खामोशी मुझे डर है ख्वाजा शुक्रिया बस 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 मेहरबानी अच्छा जी बस 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 बाद में जैसे ही मैं आपसे बातें खत्म कर दूं उसके बाद फिर इंशाल्लाह दिल खोल के नारे मारेंगे अच्छा पहले आपको आवाज आ रही है सबको ठीक आ रही है पीछे ऊपर जी अच्छा जी अब अभी नहीं नारा अभी कोई नारा नहीं जैसे ही मैं अपनी बातचीत खत्म करूंगा उसके बाद नारे अच्छा अब आज मकसद है आपको यहां बुलाने का अब जरा खामोशी उधर भी खामोशी आज आपको यहां बुलाने का एक मकसद है एक है मेंबरशिप कैंपेन और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अब बड़ा मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि हमने ये नया पाकिस्तान कैसे बनाना है पहले मेंबरशिप कार्ड है ये जो मेंबरशिप कार्ड है ये पहली दफा अभी नहीं सुन लें पहली दफा एक पार्टी ने एक जबरदस्त किस्म का मेंबरशिप कार्ड बनाया है इसमें ये किधर है ये देखो थोड़ा सा डिसिप्लिन ताकि मैं आपको समझा दूं अच्छा उधर आ गए हैं लड़के ये पता क्या है साउंड सिस्टम अपना लगाना चाहिए था शुक्रिया मेहर वाजिद कंट्रोल करें अपने जुनूनी नौजवानों कंट्रोल करें अच्छा जी सुन ये है मेंबरशिप कार्ड पहली दफा एक मेंबरशिप कार्ड पे पूरी एक मेंबर की इंफॉर्मेशन हमारे पास महफूज हो जाएगी इससे होगा क्या
ये क्यों जरूरी है कि जितने भी आप सब हैं और जितने भी आप मेंबर्स बना सकते हैं, ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले सुने, सबसे पहले इस मेमोरी है, अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में, सूबे में, सारे पाकिस्तान में अगर हमें कोई भी अपने मेंबर्स की राय चाहिए होगी इस मेंबरशिप कार्ड के जरिए, हम आपको पैगाम पहुंचाएंगे, आप अपनी राय देंगे, तो आप चाहे स्कर्दू में बैठे हो, चाहे बलूचिस्तान में बैठे हो, वहां से मुकम्मल तौर पे हमें आप सब की राय मिल जाएगी। इससे क्या होगा? इससे मेरा और आपका राबता होगा। कोई भी मैंने सवाल पूछना हुआ, मेंबर्स के जरिए आपको आपको पैगाम पहुंचाएंगे और आपसे सवाल पूछूंगा, आपका जवाब आएगा। डिस्ट्रिक्ट में टिकट देने हैं, अब पांच पांच दस दस लोग तहरीक इंसाफ के टिकट मांग रहे हैं। हमने अगर फैसला करना हुआ कि किस कैंडिडेट को टिकट देने हैं, जिधर हमें पता नहीं, फैसला नहीं कर सकते, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स को पैगाम पहुंचाएंगे, आपकी राय लेंगे और आपकी राय लेके कैंडिडेट्स के बीच में फैसला करेंगे कि किसको तहरीक इंसाफ का टिकट मिलेगा। और तीसरी चीज ये होगी कि जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म होगा, जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म होगा, पार्टी का इलेक्शन होगा और पार्टी का इलेक्शन इस मेंबरशिप कार्ड के ऊपर होगा। आपके पास कार्ड होगा, आप शिरकत करेंगे, आपकी जब आपने वोट्स देने होंगे हर सतह की क्यादत के ऊपर, तो आपको इस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा मैं ये लाहौर में मेंबरशिप कैंपेन लॉन्च कर रहा हूं। जो चाहते हैं पार्टी में होता चाहते हैं, जो पार्टी के लिए टिकट चाहते हैं, आप सबको पूरी तरह शिरकत करनी चाहिए इस कैंपेन पे, कैंप लगाने चाहिए, मेंबर्स बनाने चाहिए। दूसरी बात सुने साहब, देखे अच्छा जी, सुने अब दूसरी बात, तहरीक इंसाफ फैसला करता है पंजाब का, आपके लिए बड़ा जरूरी यह चीज समझना कि पहले तो आपने लाहौर में मेंबरशिप करनी है सबने, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, लोग आपसे पूछें कि कैसे आप तब्दीली लेके आएंगे, नया पाकिस्तान कैसे बनेगा। तो नया पाकिस्तान के लिए सिर्फ मैं आपके लिए तीन चीजें आपके सामने रखता हूं, तीन पॉइंट एजेंडा। नंबर वन तहरीक इंसाफ पहली पाकिस्तान की तारीख की पार्टी होगी जो जिस तरह चाइना ने 70 करोड़ लोगों को 30 साल, यह
पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से लाहौर में खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद है, एक तो मेंबरशिप के हवाले से आपको बताना है, दूसरा मैं बताऊंगा कि नया पाकिस्तान कैसे बनाना है। इस मेंबरशिप के जरिए हम सारे पाकिस्तान में आपको गुरबत से निकाला, सारी पॉलिसीज जो बनेंगी तहरीक इंसाफ की, उसका एक मकसद होगा कि हमने लोगों को गुरबत से कैसे निकालना है। अभी सारी पाकिस्तान की पॉलिसी बनती है छोटे से अमीर और ताकतवर तबके के लिए, अमीर और गरीब में फासले बढ़ते जा रहे हैं। अमीर अमीर हो रहा नहीं, वाजिद वाजिद वाजिद, सुने सुनो, ये बड़ा जरूरी आप सबके लिए समझना, नारे बाद में मारना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जमात क्या चीज है जो मुख्तलिफ करेगी बाकी जमातों से, यह समझ जाए। आज तक पॉलिसी ताकतवर और अमीर तबके के लिए बनी है, आम आदमी के लिए पॉलिसी नहीं बनती। आम आदमी के लिए अस्पताल में जाए तो चार चार लोग बिस्तरों पे, गवर्नमेंट स्कूलों में जो तालीम मिलती है बच्चा ऊपर नहीं आ सकता। मुल्क में ये आप जरा बड़ा गौर से सुना मेरी बात, यहां मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लोग क्यों बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं, क्यों यूरोप जाते हैं, क्यों अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ये समझना आपके लिए, क्योंकि मैं 18 साल का था जब मैं पहली दफा बरतानिया गया और मैंने ये बड़े करीब से देखा है कि क्यों बेचारा हमारा पाकिस्तानी पैसे खर्च करके वीजे लेता है, घर में सब कुछ बेच बूच के किसी को बाहर भेजते हैं, क्यों भेजते हैं। अब ये सुने, ये इसलिए नहीं भेजते कि वहां कोई पैसे बांट रहा है, ये इसलिए नहीं भेजते कि वहां कोई दूध की नहरें बह रही हैं। सिर्फ एक वजह से लोग जाते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है वो अपनी तकदीर बदल सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी आया यहां से, मैं इंग्लैंड में जब क्रिकेट खेलता था मजदूरी शुरू करता था, सड़कों पे काम करता था, दुकान में काम करता था, दो तीन चार साल के बाद इतने पैसे बचा लेता था कि अपनी छोटी सी बिजनेस शुरू कर देता। उसके पास पैसा बचता था मेहनत से, दो दो नौकरियां करता था, इतना पैसा बचता था कि वो फिर अपनी दुकान पे मजीद और बड़ी कर लेता था। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो मजदूरी से शुरू हुए और देखते देखते 10-15 सालों में करोड़पति बन गए, फिर अपने रिश्तेदार मंगवाते थे पाकिस्तान में, वो आते थे उनकी मदद करते थे, उनकी बिजनेस करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में पूरे पूरे खानदानों को करोड़पति अरबोंपति बनते देखा है जो मजदूरी से शुरू करते थे। पाकिस्तान में एक बेचारा मजदूर, उसका बच्चा मजदूर, उसके बच्चे मजदूर, वो निकल ही नहीं सकते, वो ऊपर ही नहीं जा सकते। स्कूल में बच्चे को भेजता है, वहां टीचर नहीं है, वो स्कूल में जाके बच्चा टाइम गुजार के 3-4 साल में देखता है कि ना वो पढ़ा ना लिखा, वो स्कूल से निकाल लेता है। ना स्कूलों में पढ़ के अगर वो मेहनत भी करे तो उसके बच्चा तो उसकी जिंदगी बदल ही नहीं सकता। थोड़े से बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरी तरह जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। बेचारा आम आदमी सारी जिंदगी मेहनत करके दो दो नौकरियां करके मर जाता है, अपनी जिंदगी बदल ही नहीं सकता। इसको कहते हैं, जब आप एक माशरे में इंसाफ की हम बात करते हैं, इंसाफ का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लोगों को आप मौका देते हैं, एक माशरे का ऐसा निजाम बनाते हैं कि नीचे से जो भी मेहनत करे वो ऊपर आ सकता है। मैं अब आपको मिसाल देता हूं,
नमल यूनिवर्सिटी 90% वहां के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे हैं, मुफ्त पढ़ रहे हैं। 75% से 80% बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल के हैं। सुने 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 हिलाना, उर्दू मीडियम स्कूल के और नहीं नहीं अभी नहीं नहीं सुनो सुने 75 से 80% बच्चे उर्दू मीडियम स्कूलों से, 90% जो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं स्कॉलरशिप पे, क्या वहां पढ़ रहे हैं? ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज लेते हैं वहां से। अब ये सुने, नहीं सुने जरा, मैं आपको कुछ और लगाऊं, अब मैं आपको कुछ बताने लगा हूं। उसकी खास बात यूनिवर्सिटी की क्या है? उसकी ये है, ये सुने, पहले पहले बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, उसके बाद वो ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स करते हैं। ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल 10 से 12% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन मिलती है ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में। नमल यूनिवर्सिटी में मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये निचले तबके से बच्चे जब उनको आला तालीम मिलती है तो ये सुने, ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी में 10 से 12% को ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट डिवीजन मिलती हैं। इस बारी नमल यूनिवर्सिटी में 53% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन मिली हैं। अब इससे क्या हुआ? ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या हुआ? सारों को नौकरियां मिल गई, जो बच्चे वहां से निकले नौकरियां मिली,